क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्ट्रेक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लैक डिसाइपल गैंग के बारे में कि कैसे इस गैंग की शुरुआत हुई और अब कैसे ये गैंग हिप हॉप में एंटर कर चुकी है, जो कि 90s एंड अर्ली 2000s में सिर्फ ब्लड एंड क्रिप गैंग तक ही सीमित था। किंग वॉन, लिल डक, चीफ कीफ, लिल रिज जैसे फेमस न्यू स्कूल आर्टिस्ट मेंबर है इस गैंग के। इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम ब्लैक डिसाइपल गैंग के बारे में बात करेंगे एंड ब्लैक डिसाइपल गैंग जो है उनका मेन अड्डा है शिकागो। ओ ब्लॉक के बारे में तो आपने सुना होगा, तो क्या है इस एरिया में ऐसा जहां इतना वायलेंस होता है? It's been another explosive year for gun violence in Chicago, and now Mayor Lori Lightfoot is proposing a pretty controversial measure to try to stop it. So she's pushing an ordinance that would allow the city to sue gang members to seize their assets. Black Disciple Gang बहुत ही dangerous और violent gang है। इसको simply मैं आपको समझाता हूँ। Blood Gang में 15,000 से 20,000 active gang members है and Crip Gang में 30,000 से 35,000 active gang members है। लेकिन Black Disciple Gang में सिर्फ 9,000 से 12,000 active gang members ही है। Still इनका दबदबा काफी है US की streets में। इतने कम तादाद होने के बाद भी ये लोग इसलिए rule कर रहे हैं because इनसे पंगा लेना means मौत को दावत देना है। खास मैं इन पे रिसर्च कर रहा था तो एक बात समझ आया, बीडी यानी ब्लैक डिसाइपल गैंग ना मारने से डरते हैं और ना मरने से। इसका बिगेस्ट एग्जांपल जो है वो है रिसेंटली ओ ब्लॉक बीडी मेंबर किंग वॉन और टी रॉय की मौत। ब्लड एंड क्रिप गैंग पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक मारना। जैसे ब्लड एंड क्रिप गैंग से इंस्पायर्ड रैपर्स है अपने यहाँ इंडिया में, वैसे ही इवन ब्लैक डिसाइपल गैंग से भी इंस्पायर्ड रैपर्स है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सेक्टर एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डिसाइपल गैंग। ओके, सो ब्लैक डिसाइपल गैंग जो है प्रोमिनेंटली बेस्ड है शिकागो में एंड ब्लैक डिसाइपल गैंग के फाउंडर है डेविड बार्क्सडेल। डेविड 10वें नंबर के थे उनके 13 भाई बहनों में एंड उनका जन्म वैसे तो मिसिसिपी में हुआ था, लेकिन उनके टीनेज में ही उनकी फैमिली शिकागो में मूव हुई थी। सिर्फ उनकी फैमिली ही नहीं, मेजरली बहुत सारे ब्लैक फैमिलीज मिड 60s एंड 70s में शिकागो की ओर पलायन कर रहे थे, क्योंकि शिकागो तब एक इंडस्ट्रियल हब था एंड रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा थी। मीट पैकिंग, स्टील प्रोडक्शन, ग्लास मेकिंग जैसे मेजर फैक्ट्रीज थे शिकागो में। लेकिन ये सुनहरा दौर ढलने लगा, खास बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी और इसी के चलते वापस लोग बेरोजगार हो गए। यही एक रूट कॉज माना जाता है ब्लैक डिसाइपल गैंग के फॉर्मेशन का। बहुत सारे लोग यहाँ से तब चले गए, लेकिन मेजरली ब्लैक कम्युनिटी यहीं रुकी। कहा यह भी जाता है कि ये फैक्ट्रीज का शटडाउन और फैक्ट्री ट्रांसफर का मेन रीजन ब्लैक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हो गए थे उस एरिया पे एंड जो व्हाइट ओनर्स फैक्ट्री के वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज्यादा ब्लैक लोग आगे बढ़े, क्योंकि उस समय ब्लैक लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था। इनफैक्ट आज भी होता है यूएस में ब्लैक लोगों के साथ नाइंसाफी, बस ये है कि पहले के मुकाबले अब कम हो गया है। और इवन शिकागो में तब अलग अलग जगह कुछ ऐसे नियम थे कि ब्लैक लोग घर रेंट पे नहीं ले सकते थे और ना कुछ प्रॉपर्टीज ले सकते थे उस जगह पे। ऊपर से ब्लैक लोगों को बहुत बुली करते थे एंड कोई अकेला ब्लैक व्हाइट्स के बीच में फंस गया तो फिर उसका पिटना तय था। सो ये ब्लैक कम्युनिटी के लोग कब तक सहते? सो इस तरह इन लोगों ने भी अब फाइट बैक करने का सोचा और ब्लैक कम्युनिटी के छोटे छोटे ग्रुप्स इकट्ठा होने लग गए थे एक दूसरे के लिए। लेकिन आज देखो ये अपने रूट्स को भूलकर आपस में ही जान लेने पे तुले हैं। मीनवाइल मिड 1970s और 1980s में पूरे अमेरिका में ब्लड एंड क्रिप गैंग फैल चुकी थी, लेकिन शिकागो के गैंग्स ने अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट नहीं किया और ना उनसे कोई कनेक्शन था। और यूं भी उस जमाने में इंटरनेट जैसी कोई चीज थी भी नहीं जिससे आप दुनिया भर को जाने। शिकागो में जो ब्लैक कम्युनिटी थी वो बस पलायन करके आए हुए मजदूर और उनके बच्चे थे एंड उनको बाहर के दुनिया से नहीं खुद को जिंदा रखने का सर्वाइवल करना था। लेकिन वहाँ हो रहे अत्याचार ने ही इनको मजबूर किया गैंग्स वगैरह फॉर्म करने के लिए। फिर ये डेविड बार्क्सडेल वगैरह ने अपने क्रू को यूनाइट किया एंड पहले उन्होंने उस क्रू को नाम दिया था डेविल्स डिसाइपल यानी शैतान के चेले। डेविड बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल थे हुड के एंड
हर नेबरहुड में उनका नाम चलता था और उनको लोग किंग डेविड भी बुलाते थे। एंड किंग डेविड से ही किंग वॉन ने अपना नाम रखा था और काफी टाइम तक ये रूमर्स फैला रहे थे कि वो किंग डेविड के पोते हैं, बट वो एक्चुअली में थे नहीं, ये बस उनका टैक्टिक था हुड में रिकॉग्नाइजेशन के लिए। इवन किंग वॉन का लास्ट प्रोजेक्ट का नाम भी ग्रैंडसन था ताकि लेजिटली लोगों को लगे कि वो किंग डेविड के ही ग्रैंडसन है। लेकिन लेटली ये मालूम होता है कि किंग वॉन एक्चुअली ट्रिब्यूट दे रहे थे किंग डेविड को, जो कि ऑफ कोर्स ब्लैक डिसाइपल गैंग के फाउंडर थे। किंग डेविड्स एक्चुअल ग्रैंडसन, बट आई थिंक दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ जस्ट एडमिरेशन फॉर किंग डेविड। आर यू फैमिलियर विद किंग वॉन स्टोरी? Yeah, King Von was an inspiration to everybody, you know. Yeah. And he was a good guy. And see, that's just like I just said, you did King David like a father to me. And Von said King David like his granddaddy, you see. And when people honor people like that, that's how they feel. ब्लैक डिसाइपल का पहले नाम डेविल्स डिसाइपल था, लेकिन लेटर ऑन ये नाम चेंज करके ब्लैक डिसाइपल कर दिया टू साउंड मोर पॉजिटिव। सो उस जमाने में इतना अत्याचार अपने ही सिटी में झेलने की वजह से इनकी फाइट बैक की मेंटालिटी जनरेट हुई और तब से ही इनके मन में बैठ गया मरो या मारो। इसलिए बाकी गैंग्स की तरह ये लोग डराते या धमकाते नहीं है, या पहला पंच इनका होगा या पहली गोली। इसी वजह से ब्लैक डिसाइपल गैंग से कोई भी और दूसरे गैंग वाले ज्यादा इश्यूज नहीं करते, और यही मेंटालिटी आप देख सकते हो किंग वॉन की मौत पे, कॉज पहला पंच किंग वॉन ने ही मारा था, क्योंकि ब्लैक डिसाइपल गैंग में बचपन से ही ओजी लोग यही गाइडेंस देते हैं। सो ये थी ब्लैक डिसाइपल गैंग की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं बीडी गैंग के दुश्मन कौन कौन से गैंग्स हैं। फर्स्ट है वाइस लॉर्ड्स, देन है गैंगस्टर डिसाइपल्स जो कि शिकागो के ही गैंग है पर ब्लैक डिसाइपल गैंग के कट्टर दुश्मन है, देन है ब्लैक पिस्टोन्स, मिकी कोब्रास, लैटिन किंग्स। इन सबसे 36 का आंकड़ा है ब्लैक डिसाइपल गैंग का। और रही बात इनके एलाइज गैंग की, जिनसे इनकी दोस्ती है वो है ब्लैक गैंगस्टर डिसाइपल्स, फोक नेशन और मेजरली क्रिप गैंग से ब्लैक डिसाइपल के अच्छे संबंध है। अब इनकी ड्रेसिंग की बात हो जाए तो इनका सिग्नेचर लुक है इनका ब्लैक बैंडाना। जैसे ब्लड गैंग का रेड है, क्रिप गैंग का ब्लू है, वैसे ही ब्लैक डिसाइपल का सिग्नेचर यही ब्लैक बैंडनास है। अगर आप ये बैंडनास लेना चाहते हो तो आपको ये अमेजोन पर बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही रेड एंड ब्लू बैंडना का भी इंक्लूड कर दूंगा उन भाइयों के लिए जो लास्ट टाइम मुझसे पूछ रहे थे इसके लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया में ब्लैक डिसाइपल गैंग से इंस्पायर्ड कौन कौन से रैपर्स है, तो इसमें एक नाम हम ले सकते हैं डिवाइन, जिनको हम यूजुअली ब्लैक बैंडना में देखते हैं। इवन गली गैंग का जो लोगो है उसमें भी आपको ब्लैक बैंडाना दिख जाएगा। फिर है रफ्तार भाई, उन्होंने चिल रामिक्स में ब्लैक बैंडाना बांधा था सर पे। एंड द लेजेंडरी आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला भी ब्लैक बैंडाना रैप करते हैं एंड कई बार वो स्पॉट हुए हैं इसमें, इवन उनके गाने बबरी में भी आपको दिख जाएगा। ये देखा जाए तो पहले एक टाइम तक ब्लैक डिसाइपल गैंग रैप में नहीं थे, लेकिन अब तो ब्लैक डिसाइपल गैंग ने रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा दिया है। पहले बीडी रैपर्स अपने सिटी तक ही सीमित थे, लेकिन इसको न्यू स्कूल आर्टिस्ट चीफ कीफ ने ब्रेक किया है, जिन्होंने ब्लैक डिसाइपल और ओ ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया था हिप हॉप ऑडियंस को। ओ ब्लॉक की बात की जाए तो ओ ब्लॉक एक पर्टिकुलर एरिया है शिकागो में जहां बहुत वायलेंस होता है, एंड ब्लैक डिसाइपल एंड गैंगस्टर डिसाइपल्स गैंग मेंबर्स का घर है या उनका हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं। ओ ब्लॉक के मेंबर्स काफी डेंजर है और इवन मोस्टली रैपर्स ओ ब्लॉक वालों से बीफ नहीं मोल लेते अनटिल एंड अनलेस वो 6ix9ine जैसे कोई ना हो, क्योंकि जान का खतरा है ओ ब्लॉक वालों से पंगा लेने में। वेल, ओ ब्लॉक पे हम एक अलग वीडियो करेंगे जिसमें ये एरिया इतना डेंजर कैसे बना मैं आपको बताऊंगा। न्यू स्कूल आर्टिस्ट जैसे किंग मॉन, टी रॉय, चीफ कीफ, लिल डक, लिल रिस, 600 ब्रीजी वगैरह फुल टू रैप कर रहे हैं बीडी गैंग को। तो ये था भाई लोग वीडियो अबाउट ब्लैक डिसाइपल गैंग। आने वाले टाइम में हम मेक्सिकन सुरेनो गैंग, MS-13, लैटिन किंग्स, आर्यन ब्रदरहुड, एशियन बॉयज सब पे वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल पे बने रहना। सो आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बिफोर दैट अपने भाई जैंज का गाना सुपरस्टार आ चुका है फीचरिंग रेज, शैंक म्यूजिक एंड प्रोड्यूस्ड बाय एमी जेम्स। सब चेक मारना ये गाना एंड सपोर्ट करना अपने लोकल आर्टिस्ट को। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय, टेक केयर।
डॉक्टर अब राशि फल में कम दिखेंगे पेन से पेन भी सब मिटेंगे अब बैठ के खाएंगे पेट भर और राजू को खुश होकर टिक भी देंगे मेरे गानों का व्यूज नहीं है हजार नहीं जेब में गानों की है पगार मुझे सुनते तो चार मेरे भाई बंधु ने दिखता है मुझमें भी सुपरस्टार मेरे गानों का व्यूज नहीं है हजार नहीं जेब में गानों की है पगार मुझे सुनते तो चार मेरे भाई बंधु ने दिखता है मुझमें भी सुपरस्टार।